गरियाबंद के धवलपुर बालक आदिवासी आश्रम ने में एक बार फिर से अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है और इस बार स्कूल के 13 बच्चों का चयन जवाहर उत्कर्ष, जवाहर नवोदय और एकलव्य संस्थाओं में हुआ है। ये गरियाबंद जिले के किसी भी एक स्कूल से चयनित होने वाले बच्चों की संख्या से कहीं अधिक है। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब धवलपुर आश्रम के बच्चों का चयन इतने बड़े पैमाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ हो। पिछले 10 सालों से यहाँ के बच्चे बड़े पैमाने पर ऐसी ही प्रतियोगिताओं में चयनित होते आए हैं। पिछले साल भी 11 बच्चों का चयन हुआ था। आश्रम अधीक्षक के मुताबिक यहाँ बच्चों को सिलेबस के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की भी नियमित तौर पर तैयारियां कराई जाती हैं, जिसके चलते बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से पास कर लेते हैं। बच्चे सम्मिलित हुए थे जिसमें से जवाहर उत्कर्ष के लिए 3 बच्चों का चयन हुआ, नवोदय विद्यालय के लिए 2 बच्चों का चयन हुआ है और एकलव्य विद्यालय के लिए 8 बच्चों का चयन हुआ है।